जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भजन मन वचन और तन तीनों से ही करना चाहिए। भगवान का चिंतन मन का भजन है, नाम गुणगान नाम जप वचन का भजन है, और भगवत भाव से की हुई जीव सेवा तन का भजन है। भजन सर्वोत्तम वही है जिसमें कोई शर्त ना हो, जो केवल भजन के लिए ही हो। तन मन से भजन न बन पड़े तो केवल वाणी से ही भजन करना चाहिए। भजन में स्वयं ऐसी शक्ति है कि जिसके प्रताप से आगे चलकर अपने आप ही सब कुछ भजनमय हो जाता है। आजकल के दुर्बल प्रकृति के नर नारियों के लिए भजन में सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन पर विश्वास करके नाम की शरण ले लो, नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा। नाम और नामी अभेद है, इसलिए नाम के द्वारा अपनाए जाकर नामी भगवान के द्वारा तुम सहज ही अपनाए जाओगे। याद रखो, जिसको भगवान ने अपना लिया उसी का जन्म और जीवन सफल है, धन्य है। भगवत प्राप्ति का सबसे प्रथम और परम आवश्यक साधन है भगवान की प्राप्ति की उत्कट इच्छा। ऐसी इच्छा की जैसे प्यास से मरते हुए मनुष्य को जल की होती है, इस प्रकार की तीव्र और अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो जाने पर जैसे प्यासे को जल का अनन्य चिंतन होता है, और जल मिलने में जितनी ही देरी होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता बढ़ती है, वैसे ही भगवान का अनन्य चिंतन होगा और हृदय में भगवान के लिए परम व्याकुलता होगी। इससे सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखना चाहिए, भगवान किसी कर्म के फल स्वरूप में नहीं प्राप्त होते, वे तो प्रबल और उत्कट इच्छा होने पर ही मिलते हैं। ऐसी इच्छा होने पर अपने आप ही सारे कर्म उनके अनुकूल हो जाते हैं और साधक की प्रत्येक चेष्टा भक्ति बन जाती है। फिर वह यज्ञ दान तप आदि शास्त्रीय और खाना पीना सोना उठना चलना फिरना कमाना खोना आदि लौकिक सभी कार्य स्वाभाविक ही भगवान के लिए करता है, क्योंकि भगवान ही उसके परम आश्रय परम गति और परम प्रियतम होते हैं। उसकी सारी आसक्ति ममता और प्रीति सब जगह से सिमट कर एकमात्र अपने प्राण श्री भगवान में केंद्रीभूत हो जाती है। वह अनवरत उन्हीं का स्मरण करता रहता है। भगवान जब इस प्रकार उसकी व्याकुलता को देखते हैं तब सहज ही आकर्षित होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे अपने अंक में लेकर अपने हृदय से लगाकर सदा के लिए निहाल कर देते हैं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। जय श्री राधे। जय श्री